हेलो अर्पित, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, लास्ट क्या किया था कुछ याद है? रोशनी बता सकते हैं लास्ट हमने क्या किया था? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कर लिए थे हमने। तो अर्पित, यस सर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने कर लिए थे। सर शायद नहीं करा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि दोनों टर्म होता क्या क्या है। वैसे वैसे आपको पता ही होगा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है वो सारे फोर्स या फील्ड जिसके लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो। इसके लिए अगर मैं क्लोज पाथ लूँ उस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो उसके लिए नेट वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। जस्ट सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है इस तरह, एंड इस ब्लॉक को अगर मैं मूवमेंट कराऊँ, पहले ग्राउंड से किसी हाइट तक ले जाऊं एंड उस हाइट से फिर वापस नीचे ग्राउंड तक ले जाऊं, तो इन दोनों मूवमेंट में एक मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है और एक मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है। उसकी वजह से जो वर्क डन है एक कंडीशन में पॉजिटिव होगी, दूसरी कंडीशन में नेगेटिव होगी। तो अगर दोनों का सम कीजिएगा तो नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये जो वर्क डन मैं कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट में? तो आप बोलिए ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट में या ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में। तो उसके लिए नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी आई? क्लोज पाथ में, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं वापस बैक आ गया, नेट वर्क डन की वैल्यू जीरो आ गई। इसलिए उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो पहली कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, नेट वर्क डन फॉर क्लोज पाथ कितना हो जाता है? जीरो होता है। अगर नेट वर्क डन की वैल्यू जीरो आए तो उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती किसी भी अदर फॉर्म में, वो एनर्जी रिटेन रहती है। तो आप बोलिएगा नो लॉस ऑफ एनर्जी, एंड इसमें जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो आप बोलिएगा वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग, ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसके रिवर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके लिए डिफाइन करता है वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट हो। अब वर्क डन पाथ पर डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो आप मान लीजिए मेरे पास कोई एक सरफेस है एंड उस सरफेस में जो रफनेस है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे ले लिया। तो अगर मैं इस रफनेस पे किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करूं तो आपको अलग ऑपोजिशन फील होगी, एंड किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूं तो अलग ऑपोजिशन फील होगी। मतलब पाथ के मूवमेंट के बेस पे ऑपोजिशन अलग अलग हो सकती है, उसके बेस पे वर्क डन अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं इसकी तरफ मूव करूं तो देखिए इसके स्पाइक्स टूवर्ड्स राइट है तो आपको ऑपोजिशन कम फील होगा, बट अगर इधर की तरफ अगर मूवमेंट करना शुरू करें तो स्पाइक्स इसकी तरफ मूवमेंट है तो वो ऑपोजिशन ज्यादा कॉज कर सकता है। तो दोनों डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग वर्क डन आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तब इसको बोलूंगा वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट है। एंड इन दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा, डिसिपेट होगा हीट के फॉर्म में, जो वापस रिटेन नहीं हो सकती। इसीलिए वो सम ऑफ ऑल वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो के ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तब इसके लिए डिफाइन करते हैं वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होता है। एंड इसका एग्जांपल ऑल
डिसिपेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन, विस्कस, रेजिस्टेंस, ये सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। यहां तक किसी को डाउट? आई थिंक सबको याद पता होगा यहाँ तक। यस सर। ओके, अब इसके बेस में मैं क्वेश्चन बताता हूँ आसान आसान से, किसी को लिखना तो नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था जेई में, उसने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक। इस सरफेस की आपने कुछ इंक्लिनेशन दे रखी है, सपोज कर लीजिए इस तरह, ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री। इसकी वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक 2 मीटर। उसने कहा कि कोई ब्लॉक है इस पॉइंट पे ऑफ मास 2 kg, ये पॉइंट ए पे है, पूरा इंटायर सरफेस सेम रफनेस है, ये मेरे पास सेम रफनेस ऑफर कर रहा है न्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसकी नेमिंग कर दी गई, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है एंड यहाँ पे पॉइंट सी है। तो कहता है कि टोटल पॉइंट ए के पास इतना है, वो एनर्जी इक्वली डिसिपेट करता है फ्रॉम गोइंग ए टू बी एंड गोइंग फ्रॉम बी टू सी। तब कैलकुलेट कीजिए न्यू ऑफ द सरफेस क्या होगा और ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा। कहता है इस टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वली डिसिपेटेड along AB and BC, then find coefficient of static friction and distance x कहां से कहां तक, BCC तक। किसी क्वेश्चन में डाउट तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अर्पित क्वेश्चन समझ आया आपको? सर न्यू वही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके सर। देखिए तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा इस चीज को, तो आप बोलिएगा पहले टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी, तो उसके हाइट की वजह से होगी mgh, तो आप उस टोटल एनर्जी को ये मान लीजिए mgh। ये जो एनर्जी है वो इक्वली दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एक एनर्जी हो जाएगी mgh एंड दूसरी एनर्जी हो जाएगी हाफ mgh। ये दोनों एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए बी और अलोंग बी सी, मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जितना था उसको हाफ ऑफ मैंने कर दिया, तो हाफ अलोंग गोइंग ए टू बी एंड हाफ अलोंग गोइंग बी टू सी डिसिपेट हो रहा है। तो ए से बी तक जाने में एनर्जी डिसिपेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो आप बोलिएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, तो आप बोलिएगा नॉन कंजर्वेटिव। तब इसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा वो कैलकुलेट कर लीजिए, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो कैलकुलेट कीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, वहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बी से सी तक जाऊँ तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई बस समझ रोशनी, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। म्यू कैसे आएगा? फर्स्ट वाले पार्ट से F1 की वैल्यू से, F1 की वैल्यू म्यू के टर्म में पुट कीजिएगा। किसी इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है म्यू टाइम्स एमजी कॉस थीटा। आई बस समझ? यस सर। वहां से सॉल्व कीजिए, म्यू की वैल्यू पहले इक्वेशन से फाइंड कीजिए, सेकंड इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुट करके वहां से एस की वैल्यू आ जाएगी। अंशिका कुछ समझ आया आपको? यस सर। ओके,
सर आप कुछ और भी इसमें बताइए। ये वाला स्टेप फिर से एक बार समझाइए। देखिए पहले मेरे पास mg एक फोर्स होगा, एक्ट करता होगा, उसके दो कॉम्पोनेंट हैं, एक कॉम्पोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर और एक कॉम्पोनेंट अलोंग द प्लेन ऑफ बॉडी, होगा ऐसा? यस सर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ mg, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, इसके थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो अगर ये mg है तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos theta। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos theta इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल में इंक्लिनेशन दिख रहा है एंड परपेंडिकुलर हाइट मान लीजिए h, सो sin theta इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या उसको d1 मान लीजिए, so d1 is equals to h by sin theta लिख सकते हैं। yes sir। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा h by sin theta। अब वो सारी चीजें कट जाएंगी, यहाँ से theta की वैल्यू पता है, तो mu की वैल्यू आ जाएगी। okay sir। okay अब try कीजिए। आयुषी कोई डाउट आपको? नो सर। फर्स्ट पार्ट में देखिए कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें बचती हैं, उनकी वैल्यू पुट करके म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। म्यू सेकेंड इक्वेशन पुट कीजिए, देखिए कौन कौन सी चीजें कट जाती हैं, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। गुड हरप्रीत।
गुड रोशनी, गुड एयर पे, गुड अंशिका फर्स्ट शॉट हुआ। आयुषी फर्स्ट सॉल्व हुआ, फर्स्ट पार्ट म्यू की वैल्यू। देखिए यहाँ से एन जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एन जी एच। सर आपको मैंने सेकंड वाले का आंसर भेज दिया। गुड रोशनी, एक बार चेक कर लीजिए रोशनी, शायद थोड़ा गलत है। क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अंशिका देखिए तो MGH लेफ्ट हैंड साइड एंड MGH राइट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा आपके पास, यहाँ बचेगा म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उस साइड सेंड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गिव्स यू टैन थीटा अपॉन टू, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 30 डिग्री। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है अंशिका? 1/√3। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इस तरह से हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अंशिका समझ आया आपको? यस सर। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में देखिए आपके पास MGH बाय 2 है, यहाँ पे mg और यहाँ पे mg कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यू की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी h डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ न्यू। h की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय न्यू की वैल्यू 1/√3, ये 1/√3, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 2/√3। अंशिका समझ आया? यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन
फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फोर्स होना चाहिए कैसा फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बेस पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। अब देखिए यहाँ पे एफ एक वेक्टर क्वांटिटी और यू यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कैसे इक्वल होता है, तब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तीन पार्ट में। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उसका मतलब तीन डिफरेंट कंपोनेंट के अलावा आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहला, अगर आपका फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो उसको लिख सकता हूँ डेल यू बाय डेल एक्स। फोर्स का अगर मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए तो उसको बोल सकता हूँ डेल यू बाय डेल वाई। और फोर्स का अगर आपको जेड कंपोनेंट चाहिए तो ये हो सकता है आपको डेल यू बाय डेल जेड। इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। और एक दूसरा होता है एक्चुअल डिफरेंशिएशन। दोनों में फर्क पता है आप लोगों को, पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक्चुअल डिफरेंशिएशन में? नो सर। नो सर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ हैविंग वेरिएबल एक्स वाई, इसको बोलते हैं फंक्शन जो दो डिफरेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास इक्वेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई क्यूब, ऐसा कुछ इक्वेशन हो सकता है। आपको मैं बोलूँ कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार एक्चुअल डिफरेंशिएशन और एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके बेस पे। तो देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसा दिखाई देगा। पहले अगर एक्चुअल डिफरेंशिएट कीजिए डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स वाई, तब इसका मतलब आपने एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल एंड दे आर इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो कहता है फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए, प्लस सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रखिए। तो सेकेंड टर्म को आपने डिफरेंशिएट कर दिया एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई में रख दिया, प्लस यहाँ पे वाई क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर एंड मुझे एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना था तो डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से आप उस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस गिवन टर्म को। इसको हम बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डिफरेंशिएशन, जिसमें हर टर्म एक्स वाई जेड एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर सकता है। एक दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं इस तरह से डेल ओवर डेल एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स वाई। इसका मतलब आपने जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है सिर्फ वो टर्म वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, रेस्ट ऑफ द होल टर्म विल एक्ट एज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैंने एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ एक्स वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, रेस्ट ऑफ द होल टर्म विल एक्ट एज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, so y act as a constant, so it will taken as coefficient, x square बच गया, तो उसका differentiation कितना 2x, plus यहाँ पे simple independent y है, which will act as a constant, and constant का differentiation कितना होता है 0. अगर इसी तरह आपको y के respect में differentiate करना होता, so del over del y of the function x y, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म उसमें एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करता है तो उसको कोएफिशिएंट ले लीजिए, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म वाई क्यूब उसका डिफरेंशिएशन 3y² एंड सो ऑन। तो इसमें मैंने किया क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिस वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वो वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, रेस्ट ऑफ द होल टर्म वेदर दे आर कॉन्स्टेंट नंबर और एनी डिफरेंट वेरिएबल will always act as a constant term. तो अगर वो attached हो variable के साथ तो coefficient की तरह behave करता है, अगर independent हो तो उसका differentiation 0 होता है, तब इसको हम बोलते हैं partial differentiation. Actual differentiation में ऐसा नहीं होता, अगर सिर्फ constant number है तब वो constant की तरह behave करेगा, x, y, z कोई भी variable है सब variable की तरह treat किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डिफरेंशिएशन। आई थिंक सबको समझ आया ये पार्शियल और एक्चुअल में फर्क। यस सर।
अंशिका समझ आया आपको? यस। तब उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको एफ एक्स कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए विद नेगेटिव साइन, उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, ताकि ईच कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। नाउ फोर्स बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर के टर्म में उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए। सर इसमें हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। मैं फर्स्ट पार्ट एफ एक्स कैसे निकालेंगे मैं आपको वो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, बाकी सारी चीजें आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। सूरत आपने लिख लिया? नो सर। यस सर। आयुषी आपने लिख लिया? आयुषी आपने लिख लिया? ओके। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स में तीन कंपोनेंट होंगे। तो सबसे फर्स्ट आप इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट x है, उसके साथ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर टेकन एज कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y एज कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, z एज कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे क्या? अब हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू पुट करनी है। आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है, y की वैल्यू कितनी है? 1, उसको इसमें पुट कर दीजिए। सो आपका फोर्स आ जाएगा एफ एक्स इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी रखी कोऑर्डिनेट में? 1, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो आपका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स होता है। उसी तरह वाई कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कीजिए, उसी तरह जेड कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कीजिए। अर्पित समझ आया आपको? सर वो नेगेटिव आपका रिलेशन दे रखा ना, एफ इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, इसलिए नेगेटिव अप्लाई कर दिया।
अर्पित तीनों कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आंसर भेजिए आई जे के फॉर्म में। अंशिका एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कीजिए, शायद कुछ और वैल्यू आएगी। आप u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए कितना आता है। u को z के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए कितना आता है। fy माइनस ऑफ du बाई dy आ जाएगा एंड fz माइनस ऑफ du बाई dz आ जाएगा। सर भेजा से चेक कर लो। ओके एक मिनट। सही अर्पित, रोशनी आप सॉल्व हुआ? आपसे सॉल्व हुआ? सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। पूछिए। आपने यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ पे माइनस वन कैसे? वाई की वैल्यू कितनी दे रखी कोऑर्डिनेट में? प्लस वन। तो वाई की जगह प्लस वन पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा विद माइनस वन, क्योंकि एफ एक्स इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। आई बात समझ, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। यस सर। ओके सर। सूरत आपने सॉल्व किया? यस सर मैं कर चुका हूं। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए। सर मेरे को इसका नहीं है सर, एक ऐसी रैंडम सर यूनिट एंड डायमेंशन का डाउट है, पूछ लो सर। पूछिए पूछिए। सर मैंने भी पूछना था कि सर जैसे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का सर डायमेंशन पूछा है सर इन केस एग्जाम में, तो सर मेरे को बस ये पूछना था कि सर फॉर्मूला गिवन रहता है क्वेश्चन में? नहीं। याद करना है? हाँ उसको याद रखना है। बट आप 11th में तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन अपने आप में पूरे 11th 12th कंबाइंड है। आई बस समझ। ओके सर। मेरे हिसाब से उसको तो चैप्टर ही कुछ से लास्ट में पढ़ाना चाहिए 11th 12th के बाद, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले आते हैं जितना आप 11th 12th में पढ़ते होते हैं सब। यस सर। तो स्कूल के एग्जाम में जनरली आपको 11th पे बेस्ड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो पूछे जाने चाहिए। ओके सर। अंशिका आपने सॉल्व किया ये वाला पार्ट? यस सर। देखिए सर मैंने आपको आंसर भेज दिया।
अपनी कैलकुलेशन चेक कर ली रोशनी? यस। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर du by dy कैलकुलेट करना है तो y will be taken as variable and rest of the whole term will be taken as constant. तो यहाँ पे x constant की तरह behave करेगा तो उसको as it is ले लीजिए, y variable की तरह तो उसका differentiation 2y plus again वहाँ पे y है तो उसका differentiation 1 and z constant तो उसका differentiation 0. अब हमें x and y की values put कर देनी है, तो x की value यहाँ पे कितनी दे रखी है? -1, तो -1 पुट कर दीजिए इनटू 2 y, y की वैल्यू कितनी है? +1 एंड यहां पे प्लस, तो एक टर्म कितना हो जाएगा? -2 + 1, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -1. अब इस क्वांटिटी को यहां पुट कीजिएगा -1 + 1 हो जाएगा. अंशिका समझ आया आपको? यस सर. रोशनी चेक किया आपने कैलकुलेशन कहाँ करे रहे? यस ओके. सिमिलरली थर्ड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आपको, डी यू बाई डी जेड. गुड अंशिका. आयुषी आंसर सेंड कीजिए. सूरत आपने सॉल्व किया थर्ड पार्ट? सर कर रही हूँ. सूरत कैलकुलेशन चेक कीजिए. रोशनी आंसर सेंड कीजिए थर्ड पार्ट. आयुषी कोई डाउट सॉल्व करने में?
देखिए थर्ड पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए फर्स्ट है उसमें x y स्क्वायर, दोनों में कोई z कंपोनेंट नहीं, तो इसके लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो। सेकंड पार्ट ओनली y, वो भी कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा, उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। z क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन थ्री टाइम्स z स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ थ्री माइनस वन उसका स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ थ्री, पुट कर दीजिए यहाँ पे थ्री। अब इन तीनों को कंबाइनली अगर आप वेक्टर के टर्म में लिखें तो फोर्स इन वेक्टर टर्म एस एफ एक्स दैट इज माइनस वन इंटू आई कैप, एफ वाई दैट इज प्लस वन जे कैप, एंड एफ जेड प्लस थ्री के कैप। इस तरह से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सूरज समझ आया आपको? यस सर। रोशनी कोई डाउट? नो सर, समझ में। आयुषी आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग। मेरे पास कोई भी फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन पढ़ा है। अर्पित पढ़ा है आपने मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ फंक्शन? किसमें? डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन होता है मैक्सिमा मिनिमा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए मैं रिकॉल करता हूँ, शायद आपने पढ़ा हो, कहीं भूल गया हूँ। सपोज कर लीजिए आपका ये वाई है, वाई को हम एफ एक्स बोल सकते हैं, ये आपका एक्स है इस तरह। तो किसी भी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएशन उस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट को डिफाइन करता है। तो जब कभी भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy dx किसी भी फंक्शन का, या उसे जिसको बोलूं d ऑफ dx ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन fx, ये टर्म क्या बताता है? इट डिफाइंस टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। और ये टर्म एक और बात ये भी बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्लिनेशन ऑफ दैट टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कितना है उसको डिफाइन करता है। बोल सकते हैं यहां तक कोई डाउट? अर्पित यहां तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, तो पहला काम ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बेस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उस पर्टिकुलर कर्व पे, मैंने जानबूझ के इसके हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, एंड लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे। इन दोनों ही पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो वो एक्स एक्सिस के कैसा दिखाई दे रहा है? ये दोनों लाइन पैरेलल दिखाई दे रहा है, बोल सकता हूँ? Yes. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका मतलब उसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जीरो होगा, और इंक्लिनेशन अगर जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ टैन थीटा उसकी वैल्यू जीरो आएगी। बोल सकते हैं? जीरो आएगा। अंशिका यहाँ तक बोल सकते हैं? कोई डाउट? यस सर। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन इन दोनों का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जीरो है, मतलब टैन थीटा की वैल्यू जीरो है, और टैन थीटा एक्चुअली में है किसके इक्वल? इस डिफरेंशिएशन के इक्वल। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये dy dx जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है?
तो एक पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट के लिए और एक पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है और ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं इसका उल्टा कि अगर कहीं भी आपको कैलकुलेट करना हो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, जस्ट डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड पुट इट टू जीरो। तो डिफाइन करते हैं हम यहां से, तो गेट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन पुट dy dx या जस्ट डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड पुट इट टू जीरो। तो ये आपका क्या बता देगा, मैक्सिमा या मिनिमा बता देगा। बट अभी भी दिक्कत होगी कि डिफाइन करना कि किस पॉइंट को मैक्सिमम बोलूं या किस पॉइंट को मिनिमम बोलूं, ये भी डिफाइन नहीं है क्योंकि dy by dx जीरो दोनों पॉइंट को डिफाइन करता है, मैक्सिमम को भी मिनिमम को भी। तब हम क्या करते हैं, एक और टेस्ट चेक करते हैं, इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी हमने डिफरेंशिएट किया था एक बार, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डी ऑफ डीएक्स किस टर्म का, डी वाई बाई डीएक्स। यहां पे देखिए डी और डी कंबाइन होके हो जाएगा डी टू वाई और dx dx कंबाइन होके dx स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किस बात को डिफाइन करता है, तो आप बोलिएगा जहां पर dy dx टेंजेंट डिफाइन किया था उसी के नेक्स्ट पॉइंट के टेंजेंट को डिफाइन करता है। मतलब इट विल डिफाइन टेंजेंट टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ dy dx। इसका मतलब इट विल डिफाइन tangent next to dy dx, मतलब dy dx जहां पे आपने tangent draw किया था उसी की just next point पे जो tangent होगा वो second derivative से हम find out करते हैं। सर एक बार ग्राफ से बता दो draw करके कौन सा। हाँ हाँ, तो उसका मैं मतलब बताता हूँ इसके बेस पे। तो उसका just next point अगर आप draw कीजिएगा तो वो next point कुछ यहाँ पे होगा, इस point को, एंड ये नेक्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा इस पॉइंट को। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये हाईएस्ट पॉइंट पे हूं तो उसके जस्ट कोई भी इसका अगला पॉइंट होगा तो उसके कैसा होगा, बिलो होगा एबव होगा। अगर मैं ये लोएस्ट पॉइंट पे हूं तो उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट एबव होगा या बिलो होगा उस प्रीवियस पॉइंट से। यहाँ पे आप बोलिएगा अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, सपोज कर लीजिए आप हाईएस्ट पॉइंट पीक पे हैं और आप मूवमेंट करिए फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वो उसके जस्ट बिलो ही आएगा दोनों साइड, बोल सकते हैं। अर्पित यहां तक बोल सकते हैं? यस सर। तो अगर मैं उसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखूं, ये इंक्लिनेशन कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पे यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है ना, सॉरी क्लॉक क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल नेगेटिव आया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई। इस ग्रीन लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पॉजिटिव आया, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। अब यहां से एनालाइज कीजिए जिस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है वो पॉइंट आपको कैसा दिखाई दे रहा था, हाईएस्ट और लोएस्ट? सर हाईएस्ट। गुड, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो वो पॉइंट किस पाथ को डिफाइन करेगा, मैक्सिमम को, मैक्सिमम। और अगर पॉजिटिव आया तो किस पॉइंट को डिफाइन करेगा, मिनिमम। आया समझ? यस सर। तो इस तरह मैथमेटिकली एंड ज्योमेट्रिकली आप चीजों को समझ सकते हैं कि हम जो डिफरेंशिएशन में करते होते हैं वो एक्चुअली में किस पाथ को डिफाइन करता है। आई बस समझ? ओके सूरज, यहां तक कोई डाउट आपको? नो सर।
अंशिका आपको समझ आया? आयुषी यहां तक कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. सर रिटर्न. सर आपने लिख लिया? यस सर. इज शी डन? यस सर. हम इस तरह से किसी भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए मैं आपको इसको रिलेट करता हूँ एक टर्म कैलकुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक बाउल है इस तरह, और यहाँ पर प्लेन सरफेस है. मैंने तीन डिफरेंट कंडीशंस ड्रॉ किए हैं. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पॉइंट पे रखूं, लोएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखूं एंड इस पॉइंट पे रखूं, और इन तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? स्लाइटली डिस्प्लेस या तो इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस या तो मैं इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ. इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से उस ब्लॉक के पोजिशन में फोर्स में क्या फर्क आएगा हम उसको देखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मैं मूवमेंट कराया, यहाँ पे मूवमेंट कराया, यहाँ पे ब्लॉक को, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे शिफ्ट हुई एंड यहाँ पे शिफ्ट हुई. तीन अलग अलग सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया. फर्स्ट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अभी ये जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अभी लोएस्ट पॉइंट है. अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिएगा टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? अगर ये आपका लोएस्ट पॉइंट ये है तब इंक्रीज करेगी. इंक्रीज करेगी मतलब
इसके जितने भी अलग अलग कॉन्फिगरेशन होंगे उन सबकी एनर्जी अभी इस पर्टिकुलर बॉटम के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही होगी। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ब्लॉक के लिए, तो इसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो इस पॉइंट से कम ही होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये अभी जो पोजीशन है वो उसकी लोएस्ट एनर्जी है, बाकी जितनी भी पोजीशन होगी उससे हायर एनर्जी होगी। इस कंडीशन के लिए यह अभी हाईएस्ट एनर्जी पे है, बाकी जितनी भी कॉन्फिगरेशन होगी उससे लोअर एनर्जी होगी। और मिडिल वाली कंडीशन में अगर आप शिफ्ट करिएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम पॉइंट पे है। आई बस समझ? ओके यस। अब इसको फोर्स के बेस पे अगर देखने की कोशिश करें तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा था। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है, तो आप बोलिएगा माइनस ऑफ डीयू बाय डीएक्स, मतलब माइनस नेगेटिव साइन, डीयू बाय डीएक्स इज स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट गिवन इंस्टेंट। सो आप स्लोप ड्रॉ कर दीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अगर एक पॉइंट आप स्लोप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा इस पॉइंट के लिए और एक स्लोप आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा इस पॉइंट के लिए, उन दोनों पॉइंट का इंक्लिनेशन चेक कीजिए। जैसे भी बॉडी यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप निकालिए, एंड बॉडी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे स्लोप निकालिए। तो ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है ए पॉइंट पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लॉकवाइज है नेगेटिव, क्लॉकवाइज है नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फोर्स एट पॉइंट ए पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स एट बी पॉइंट पे कैलकुलेट कर दीजिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर दिया, ए पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ब्लॉक को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे है, वहां पे फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन है, तो फोर्स उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। इन दोनों कंडीशन से बोल सकता हूँ कि फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट को उसके मेन पोजीशन जहाँ पे वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी थी वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। बोल सकता हूँ? यस सर। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, सेकंड कंडीशन में आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां पे अगर आपने स्लोप ड्रॉ किया उस अलग अलग पॉइंट के लिए, एक हाईएस्ट पॉइंट और एक बी पॉइंट, इस तरह से इन दोनों पॉइंट की इंक्लिनेशन अगर इस पॉइंट को देख लीजिए ए, तो यहां पे इंक्लिनेशन कैसा है, और इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कैसा है। तो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव और हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, तो फोर्स एट ए पॉइंट इज नेगेटिव। इस पॉइंट पे कैलकुलेट कीजिएगा नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो फोर्स एट बी पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे फोर्स नेगेटिव है, मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव है, मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं क्या उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके अवे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? सर अवे। अवे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर पाएगा? तब बोलिएगा नहीं अटेन कर पाएगा। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ इन तीनों कॉन्फिगरेशन में फर्स्ट कॉन्फिगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। थर्ड कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। बीच वाली इंटरमीडिएट है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो करता है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको हम अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट? बीच में जब एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट, कोई वेरिंग नहीं, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम आप इस ग्राफिकल व्यू से फोर्स के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। Sir, please wait. Okay. Yes, sir, it is. Ruth? Yes, sir, it is. Chika? हम यहाँ तक एनर्जी के बेस पे फोर्स एंड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपसे क्या पूछेगा। आपको कोई इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा इफ यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड देन आपसे पूछे साइन टेबल और अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन, और उसके बेस पर डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो आप इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। सो डी यू बाय डी एक्स, पहले इतना पार्ट करिए, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिए, इस पूरी वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बताएगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। पहले इतना सॉल्व कीजिए।
आप डिफरेंशिएट करके जीरो की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट पहले कर लीजिए, देखिए कितनी आती है। कैलकुलेशन चेक कर लिए अर्पित। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, उसको जीरो की पर पुट कीजिए, देखिए कितना आता है। मैं हेल्प करूं कुछ सॉल्व करने में? रोशनी देखिए, फर्स्ट पार्ट 1/x^4 है, रेसिप्रोकल में टर्म अगर होता है तो पहले हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सबसे पहले काम आप इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, तब इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू x^-4 माइनस x^-2 एंड देन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इफ यू हैव x^n एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट सो इट विल बिकम n टाइम्स x^(n-1)। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू n x n-1 n x n-1, तब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -4/x^5 -+2/x^3 एंड पुट इट टू 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तब ये टर्म आ जाएगा 4/x^5
is equals to 2 upon x to the power q. ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, x square is equals to 2 और x is equals to plus minus 2. तो आपको यहां से x की वैल्यू आ गई. तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या बोल सकते हैं इसको? पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. बोले क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला था फोर्सेस माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर. तो अगर आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, इट मींस कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी. इसलिए वो इक्विलिब्रियम पोजिशन को डिफाइन करता होगा. अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो उसके लिए क्या करना होगा? चेक करना पड़ेगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है या मैक्सिमम आती है. किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो की इक्वल पुट करते हैं एंड देन फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं टू गेट द वैल्यू टू बी मैक्सिमम और मिनिमम. तो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स टू द पावर माइनस फाइव आया था प्लस टू टाइम्स एक्स टू द पावर माइनस क्यू. इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए. माइनस फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. यहां पे पावर कितना है? माइनस फाइव. ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. फिर प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर, एन x to the power n minus 1. अब आपको पूरा टर्म कितना आ गया? 5 4 is 20 प्लस में डिवाइड बाय x to the power 6 माइनस 2 3 is 6 डिवाइड बाय x to the power 4. अब x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में तो हो जाएगा 2 20 डिवाइड बाय x स्क्वायर. अगर 2 है तो x 6 हो जाएगा 2 का क्यूब इट मींस 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4. इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 1. यहां तक सबको समझ आया कि मैंने कैलकुलेशन कैसे कैसे की? यस सर. अंशिका ये समझ आया मैंने क्या क्या किया? यस सर. ओके, अब इसकी वैल्यू देखिए. लास्ट टर्म आपके पास क्या आया है? पॉजिटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है लास्ट पार्ट? सूरत सर पॉजिटिव. गुड. अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? यहाँ पे देखिए सेकेंड डेरिवेटिव. गुड. तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो मिनिमम आएगी. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम. तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे. सो 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. x की वैल्यू रूट 2 पुट कर दीजिए तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1.4 माइनस 1 अपॉन 2. जब सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 4. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम है, आयुषी बता सकती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है? रोशनी सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. गुड. तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो मैंने एक ही क्वेश्चन से चार चीजें कैलकुलेट कर दी. आपको पूछेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड कीजिए, या पूछेगा फोर्स जिस पॉइंट पे जीरो वो फाइंड आउट कीजिए, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा वो फाइंड आउट कर लीजिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए. सबका आंसर इसी में. सूरत कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए.
लिख लिया आपने, नहीं आता है? यस सर। अंशिका कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नोट डाउन कर लिया आपने यहाँ तक? यस सर। सूरज कोई डाउट? नो सर। ओके, सो ये पूरा इतना अलग अलग कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमा एंड अलग अलग टर्म के लिए हमने डिफाइन कर दिया, ठीक। आप इतना पढ़ के रखिए, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, वर्क मेजर थ्योरम एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। ये पूछिए। सर एक्चुअली आई हैव अ डाउट सर, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हाउ टू डिवाइड 504 बाय 48? 504 divided by 48. 41, 1s are 48. यहाँ पे 4 टर्म इससे स्मॉल है, इसके जगह पे यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं, लेकिन पहले ये टर्म इसके पहले यहाँ पे एक जीरो आएगा एंड देन फिर इसके इक्वल हो गया 400, देन फिर डेसिमल एंड देन फिर जीरो आएगा, देन इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 टाइम्स में, तब ये 240 हो जाएगा, कैंसिल आउट 10.5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। सर अगर रिमाइंडर स्मॉल आता है तो हम ऊपर जीरो पुट करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे चूंकि फर्स्ट डिवीजन में जो वैल्यू आई थी आपकी 2, उसके बाद अगर आपने एक डिजिट यहाँ से नीचे लाया तो उसकी वैल्यू भी इस पर्टिकुलर टर्म से स्मॉल है, तब इसके बदले मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, क्योंकि एज इफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 48 जब यहाँ से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली में एक बार में कीजिएगा तो 48 से सिर्फ 2 डिजिट डिवाइड होगा, बट ये जो पूरा टर्म जब नीचे इसके डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो वो एज ए 504 हो गया, तो उसके नियरेस्ट 1 टाइम में डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो प्लेस करते हैं फर्स्ट। आई बस समझ उस पोजिशन को मेनटेन करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 यूज किया है। आपने जब डिवाइड किया होगा तो 1 ऐसे लाया होगा जो कि गलत है। आई बस समझ। ओके सर, थैंक यू।